जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 30 दिसंबर को स्टार विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे भारतीय टीम को बहुत बड़ा घाटा हुआ। पंत का इलाज मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में चल रहा है। इनकी चोट को देखते हुए साफ साफ पता चल रहा है कि ऋषभ पंत आईपीएल 2023 में नहीं खेल पाएंगे। आईपीएल के दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे ऋषभ पंत। अब आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तानी में ये खिलाड़ी रेस में होने वाले हैं। कौन कौन से खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बन सकते हैं, वो जानकारी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अभी तक आपने हमारे इस क्रिकेट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनने में नंबर एक पर जो प्रबल दावेदार हैं, वो है ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर। आपको ये सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेविड वार्नर पहले सनराइज हैदराबाद की कप्तानी कर चुके हैं और 2016 में वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल का खिताब जिताया था। पंत की गैर मौजूदगी में भी दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए दिखे। वार्नर ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर फॉर्म में होने की संकेत दे दिए थे, और यदि डेविड वार्नर को हैदराबाद का कप्तान नहीं बनाया जाता है तो भारतीय ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का नंबर आ सकता है। पृथ्वी शॉ की कप्तानी में भारतीय टीम साल 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है। पृथ्वी शॉ अभी 23 साल के युवा क्रिकेटर हैं और ये घरेलू क्रिकेट में मुंबई की कप्तानी कर चुके हैं, इसलिए दिल्ली कैपिटल्स इस युवा खिलाड़ी पर भी भरोसा कर सकती है। आपके नजर में दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ में से सबसे बेस्ट कप्तान कौन हो सकता है, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं क्रिकेट से जुड़ी एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।